जिला कांगड़ा में गोपालपुर के पास सुबह करीब 9:30 बजे बस हादसा पेश आया। हादसे में एक निजी बस जवाहर जो कि संधोल से धर्मशाला जा रही थी, घमात्रा रोड पर अनियंत्रित होकर 100 फुट नीचे खाई में जा गिरी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में करीबन 40 से 45 लोग सवार थे, जिसमें अधिकतर कर्मचारी व छात्र शामिल थे। घायलों को उपचार के लिए गोपालपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से 10 गंभीर घायलों को टांडा रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला कांगड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। सुबह 9:30 बजे के करीब हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोपालपुर और डाड के बीच में कोई बस जो है वो खाई में गिर गई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने चामुंडा पुलिस फोर्स से अपने फोर्स को वहां भेजा था। तो हमें मालूम हुआ कि एक बस जो संधोल से धर्मशाला के लिए आ रही थी, और जिसमें क्योंकि ये मॉर्निंग की बस थी तो इसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स थे, तो ये गोपालपुर से थोड़ा सा आगे जाके एक कर्व पे जो है वो नीचे टिल्ट होके खाई में गिर गई थी। और इसमें 30-40 के करीब जो थे वो पैसेंजर्स थे इसमें, जो काफी पैसेंजर जो हैं इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनको 23 के करीब पैसेंजर जो हैं अभी अंडर ट्रीटमेंट गोपालपुर में हैं, और 10 के करीब ट्रीटमेंट के लिए टांडा भेजे गए हैं, और 3 फॉर ट्रीटमेंट अभी पालमपुर में हैं। अभी ऐसा कोई किसी की कैजुअल्टी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ है, अभी सभी इंजर्ड पर्सन जो है वो ठीक है। सर, दुर्घटनाओं के कारण का पता चल पाया कुछ? नहीं, अभी छानबीन अभी जारी है। डीएसपी साहब पालमपुर से जो है वो स्पॉट पे पहुंचे हैं, और अभी उसमें हम थोड़ा देख रहे हैं, अभी उसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन भी करवाएंगे बस का, तो तभी जाके कुछ पता चलेगा कि क्या फॉल्ट था बस में और बस एक्सीडेंट क्यों हुआ है। इसमें अभी फिलहाल किसी के खिलाफ मामला दर्ज किए गए? अभी तो लोगों की ट्रीटमेंट का ही थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, और जब उसे फ्री होके तो फिर इसमें नेक्स्ट कार्रवाई अमल में लाएंगे, और केस तो इसमें रजिस्टर हुआ है। थैंक यू सर।